चार टिकट कहाँ तक? चार टिकट चर्चगेट रिटर्न। चलो देखते हैं अभी चर्चगेट जाके करना क्या है। पता है ना मेरे को किनू कौन से प्लेटफॉर्म से जाएगी? चार नंबर। चार नंबर फास्ट है कि स्लो है? सब स्लो ही है फिलहाल। दोस्तों ये दोपहर बाद का टाइम चुनने का एक ही पर्पस था कि हमको लोकल ट्रेन में भीड़ कम मिले, लेकिन उसका निगेटिव ये है दोस्तों कि मोस्ट ऑफ द फास्ट ट्रेन भी स्लो हो जाती है। अरे विश्वाजीत हम कहाँ जा रहे हैं? पहले जाएंगे हम गेट ऑफ इंडिया, उसके बाद जाएंगे हम मरीन ड्राइव। ओके और आसपास अगर और कुछ भी होगा देखने के लिए तो हम गाइज अभी दोपहर के 4 बजे हैं और अभी ऑफिस आने या जाने वालों का रश नहीं है, इसलिए लोकल ऑलमोस्ट खाली दिख रही है। हमारे लिए अच्छी बात है, हमने जानबूझ के टाइम चुना है। ये WR लिखा है, मतलब वेस्टर्न रेलवे की लाइन है। ये खाली दिख रही है, खाली है थोड़ी। दोस्तों हम उतर गए हैं चर्चगेट स्टेशन। चर्चगेट स्टेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेशन है मुंबई का। यहाँ से मरीन ड्राइव भी ऑलमोस्ट लेस देन 1 किलोमीटर है। हम जा रहे हैं गेट ऑफ इंडिया, तो गेट ऑफ इंडिया के लिए हमको या तो टैक्सी करनी पड़ेगी या बस करनी पड़ेगी। देखते हैं हमारे पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। ये चर्चगेट स्टेशन है दोस्तों, हम बाहर आ गए हैं और यहाँ सामने बस की भी लाइन लगी है और टैक्सी भी यहीं से मिलती है। निशान आगे का प्लान क्या है? हम लोग अभी आए चर्चगेट स्टेशन पर, आज हम लोग गेटवे ऑफ इंडिया रहने वाले हैं और उसके बाद मरीन ड्राइव जाने वाले, तो हम लोग ये दिखाना चाहते हैं कि आज आप एक दिन में दो जगह जा सकते हो और टाइम कंस्टेंट के साथ भी आप दोनों प्लेसेस कवर कर सकते हो विद थोड़ा बहुत गैप में, और दोनों जगह पे आप एंजॉय कर सकते हो अच्छे से। अभी क्या टाइम हुआ है? अभी टाइम हुआ है 5:10 हुआ है, तो आवर फर्स्ट स्टॉप विल बी गेटवे ऑफ इंडिया। वहां पे हम 30-40 मिनट्स थोड़ा इधर-उधर घूमेंगे एंड देन उधर से हम लोग जाएंगे मरीन ड्राइव। दोस्तों हमारी कोशिश होगी कि मरीन ड्राइव पे हमें सनसेट मिल जाए। लकीली आई होप एसी बस से चले या टैक्सी से चले, कुछ भी चलेगा। चलो चलते एसी बस से चलते, देखते हैं कैसा है। उसमें रश नहीं और आज वेदर भी बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्तों यहाँ से गेटवे ऑफ इंडिया के लिए शेयर टैक्सी चलती है, जिसे पर पर्सन 40 रुपीज चार्ज करते हैं वो। हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग एसी बस से जाएंगे, तो चलो पकड़ते हैं बस। अभी हम लोग बस पकड़ने वाले, ये A112 बस भी गेटवे ऑफ इंडिया। ओके तो चलो। आदित्य बस का फेयर कितना है? 6 रुपए का। चले अरे वो निशान हम लोग एसी बस में कैसा लग रहा है? बहुत मस्त लग रहा है, 6 रुपए की टिकट में एसी मिल रहा है तो बहुत सही है। हम लोग जा रहे हैं अभी।
ऑफ इंडिया, एसी बस है और बहुत ही मजा आ रहा है। ये देखो दोनों बिजी हैं ये लोग। हे चीनू, तू अलग क्यों बैठा है? हम लोग पीछे की बस पे बैठे हैं एंड चीनू आगे बैठा है। मजा आ गया हम लोगों को यहाँ पे, और हम लोग तो एक्चुअली एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें टैक्सी से जाना पड़ेगा। ये जब से एसी बस शुरू हुई हमको पता ही नहीं था। जो लोग गेटवे ऑफ इंडिया देखने के लिए जा रहे हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि आपको चर्चगेट स्टेशन से 112 नंबर बस मिल जाएगा, जो कि आप पूरा गेटवे ऑफ इंडिया के नजदीक छोड़ते हैं। तो आप एसी बस में आराम से आप जा सकते हो। टिकट कितना है? 6 रुपए का टिकट है, आराम से आप बैठ के जा सकते हो। पैसा हमने दिया नहीं है। और वो जा रही है मुंबई की फेमस डबल डेकर टॉपलेस बस, वो टूरिस्ट बेस्ट ने स्पेशली चलाई है। बहुत मजा आता है, आपको मुंबई बहुत अच्छे से दिखाई देता है। एक बार जरूर ट्रेवल कीजिएगा अगर आप मुंबई आते हैं तो। दोस्तों हम यहाँ उतर गए हैं, ये सामने एमएलए हॉस्टल की बिल्डिंग है, यहाँ से गेटवे ऑफ इंडिया वॉकिंग डिस्टेंस है। ये 3 मस्केटियर आगे, एक्चुअली 4 है, 1 इज बिहाइंड द सीन। ये सामने जो लॉन्ग टावर दिखाई दे रहा है ये होटल ताज है, उसके बराबर में ही उसकी आइकॉनिक बिल्डिंग भी है जो यहाँ से दिखाई नहीं दे रही। ताज होटल के डायगनली अपोजिट ही गेटवे ऑफ इंडिया है, जो हम यहाँ से देख नहीं पा रहे हैं लेकिन बस पहुँचने ही वाले हैं। देखिए डबल डेकर, हम भी प्लान कर रहे हैं कि गेटवे ऑफ इंडिया से अगर मरीन ड्राइव के लिए डबल डेकर हमको मिलती है। यहाँ पे बहुत फेमस शॉप है बड़े मियाँ की, जिसके लिए दूर दूर से लोग खाने के लिए आते हैं मुंबई में। इधर है निशान, हाँ यही तो है सामने। ये जो शॉप देख रहे हैं आप, बड़े मियाँ की फेमस शॉप है दोस्तों। यहाँ खाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और रात को जगह नहीं मिलती स्पेशली। ये एक्चुअली नाइट आउट के लिए लोग आते हैं यहाँ पे, 1:30 बजे तक आपको इतना रश रहता है, इवनिंग में तो कुछ भी नहीं रहता। चलिए अभी हम चलते हैं गेटवे ऑफ इंडिया। ये होटल ताज की नई और ओल्ड आइकॉनिक बिल्डिंग साथ में पार्शियली आपको राइट में दिखाई दे रही होगी। वी विल शो यू द फ्रंट व्यू आल्सो। ये देखिए, ये चीनू आया, ये निशांत आया और ये विश्वजीत आया। अरे भाई कहाँ रह गए तुम लोग? मैं तुम लोगों के लिए यहाँ वेट कर रहा हूँ। दोस्तों हम जिस एंड पे आए हैं ना, यहाँ से एंट्री नहीं है। एंट्री के लिए हमको गेट ऑफ इंडिया के दूसरे एंड पे जाना पड़ेगा, तो अभी हम वहीं जा रहे हैं। ये कर लो पहले। सो चीनू और निशान मौके का फायदा उठा रहे हैं। दोस्तों मुंबई की लाइफ इतनी बिजी है कि हम यहाँ रहते भी बार बार गेट ऑफ इंडिया नहीं आ पाते हैं। वैसे लाइफ तो सभी की बिजी है मेरे ख्याल से। दोस्तों यहाँ का एकमात्र शौचालय है दुर्लभ शौचालय, हमेशा भीड़ रहती है क्योंकि टूरिस्ट यहाँ बहुत आता है। खाने पीने के होटल भी हैं, आपको स्नैक्स रिफ्रेशमेंट सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पर। ये एंट्रेंस है, यहाँ से हम एंट्री करेंगे सिक्योरिटी चेक के बाद। आपको बैग उतार के डालना पड़ेगा। द वन एंड ओनली गेट ऑफ इंडिया, अनदर जेम, होटल ताज की आइकॉनिक बिल्डिंग। दोस्तों आज मौसम की मेहरबानी है कि बारिश नहीं हो रही है, तो वी कैन एंजॉय। आप देख सकते हैं सैटरडे की वजह से काफी लोग हैं। निशान मेस्मराइज्ड बाय होटल ताज, ए मैजेस्टिक मॉन्यूमेंट आपके सामने। दोस्तों क्या आपको पता है
कि किंग एम्परर जॉर्ज फिफ्थ वाज द फर्स्ट ब्रिटिश मोनार्क टू विजिट इंडिया इन दिसंबर 1911। उसी की याद में ये गेट ऑफ इंडिया मॉन्यूमेंट बनाया गया था जब वो फर्स्ट टाइम मुंबई पोर्ट पे लैंड हुआ था। दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, जॉर्ज पंचम तो दिसंबर 1911 में आया था लेकिन ये स्मारक उसकी याद में बनाया, तो इसका कंस्ट्रक्शन खत्म हुआ था 1924 में एंड हाइट 25.15 मीटर। दोस्तों मेरे तीनों फ्रेंड गुम हो गए, मैं उनको ढूंढ रहा हूँ अभी। मैं यहाँ रिकॉर्डिंग ही करता रह गया और वो लोग गुल हो गए। दोस्तों बीइंग सैटरडे यहाँ बहुत ही रश है और गुम होना बहुत इजी है, तो अगर छोटे बच्चे हैं आपके पास तो बहुत केयरफुल रहना है। पता नहीं कहाँ गए वो लोग, उनके हाथ में भी कैमरा कहीं लगे पड़ेंगे शूट करने के लिए। दोस्तों जस्ट गॉट द मैसेज, दे आर कमिंग बैक, दे वेंट फॉर अ नेचर कॉल। और तब तक सामने अगर दांत जैसा हो तो शूट करना तो बनता है दोस्तों। ये देखिए अरेबियन सी मानसून की वजह से कैसे हिस्टोले खा रहा है, बहुत ही ठंडी हवा चल रही है, मजा आ रहा है दोस्तों। दोस्तों पहले यहाँ कोई बैरिकेड नहीं हुआ करता था और आप कहीं भी फ्रीली घूम सकते थे, इंजॉय कर सकते थे। गाइस ताज होटल के बारे में मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनी है, अब उसमें कितना सच है और कितना झूठ है ये तो आप ही डिसाइड करोगे। ये सामने आप बिल्डिंग देख रहे हो ताज की, ये इसकी बैक साइड है, लेकिन ये होना चाहिए था फ्रंट साइड। ये आर्किटेक्ट ने बाद में रियलाइज किया, अब मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा आर्किटेक्ट ये गलती कर सकता है। मेरे हिसाब से तो ये कम्प्लीटली इलॉजिकल और सिर्फ एक रूमर है। यहाँ से बोट राइड जाती है जो ऑलमोस्ट 45 मिनट लेती है फॉर ए राउंड ट्रिप। दोस्तों बहुत मजा आया गेट ऑफ इंडिया में और ये ट्रिप हम यही एंड करते हैं। ये इस वीडियो का पार्ट वन है, पार्ट टू होगा मरीन ड्राइव जो हम यहाँ से स्ट्रेट जा रहे हैं अभी, और हम गारंटी करते हैं कि आपको वहाँ भी बहुत ही मजा आने वाला है। और अभी तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, और प्लीज शेयर कमेंट लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब तो आपने किया ही होगा और हाँ बेल बटन को जरूर दबा देना। थैंक यू वंस अगेन एंड टेक केयर।